प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सत्यदेव पचौरी ने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद के तहत पूरे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। गोरखपुर न्यूज से विशेष बातचीत करते हुए मंत्री सत्यदेव पचौरी ने कहा कि सरकार 75 जिलों में विकास, रोजगार, परंपरागत उद्योग के विकास के साथ एक नई औद्योगिक क्रांति ला रही है। इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे इन लोगों के परंपरागत उद्योग को बढ़ावा मिल सके तथा ये अपना प्रोजेक्ट को उचित मूल्य में बाजार से में बेच सकें। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लघु सूक्ष्म उद्यम मंत्री सत्यदेव पचौरी ने कहा, अब उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद एक योजना लाए हैं, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का विकास, 75 जिले के लोगों को रोजगार, 75 जिलों के जो परंपरागत उद्योग हैं उनका विकास, यानी उत्तर प्रदेश में एक नई औद्योगिक क्रांति, ये ODOP योजना के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं। पहले चरण में हम उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में वहाँ पर परंपरागत उत्पाद करने वाले लोग हैं, उनको प्रधानमंत्री योजना में, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में और ODOP योजना में हम लोगों को लोन दिलवा रहे हैं। पहली बार ये उत्तर प्रदेश की सरकार करने जा रही है कि जिन लोगों को लोन दिया जा रहा है वहाँ सरकार के लोग जाके लोगों को लोन दे रहे हैं। अभी तक लोग बैंक के चक्कर लगाते थे, अब बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, हमारे अधिकारी सारी प्रोसेसिंग पूरी करके लोन आपके खाते में भिजवाएंगे और आपको सर्टिफिकेट देंगे कि आपको लोन दीजिए, आप अपना रोजगार करिए, आप आत्मनिर्भर बनिए। अब हम नौजवान को नौकरी ढूंढने वाला नहीं बनाना चाहते, नौकरी देने वाला बनाना चाहते हैं कि 10-5 लोगों को और नौकरी दें, ऐसे नौजवानों को हम उत्तर प्रदेश में ऐसी ताकत खड़ी करना चाहते हैं। सर, 13 कोटा गोरखपुर के लिए चुना गया है, तो प्रवासी सम्मेलन भी होने वाला है 21 तारीख से 2-3, क्या उसमें भी 13 कोटा या कुंभ मेले में भी 13 कोटा को प्रदर्शित किया जाए? हाँ बिल्कुल, हम जहाँ जहाँ कार्यक्रम होते हैं वहाँ एक जनपद एक उत्पाद की प्रदर्शनी भी लगाते हैं, यानी जितने उत्पाद हैं 75 जिलों के वो प्रदर्शनी में रहते हैं। कुंभ मेले की प्रदर्शनी का उद्घाटन मैं 16 तारीख को करने जा रहा हूँ, वहाँ पे भी 13 कोटा रहेगा और जहाँ जहाँ हमारे ODOP की प्रदर्शनियाँ लगेंगी सब जगह 13 कोटा रहेगा। और आज ही आपने अखबार में इंटरव्यू पढ़ा होगा, 13 कोटा के लोगों ने कहा है कि जब से एक जिला एक उत्पाद में मेरा ये प्रोडक्ट चुना गया है मेरी बिक्री बढ़ गई, लोग अब हमारी डिमांड बढ़ गई, और वो तो यहाँ तक था कि अमेजोन पे भी जो हमारा प्रोडक्ट आ गया है उससे भी लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं।